आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी। आज दिन भर के परेशानियों से, खतरे मुसीबतों से, डिप्रेशन से और बीमारियों से परमेश्वर ने हमें बचाया और प्रभु ने अपने सामर्थ्य हाथों से हमें संभाल कर आज पूरे दिन भर में रखा। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने इस समय को आज नहीं देख पाए, पर प्रभु का ये अनुग्रह, उसकी दया और उसकी करुणा है जो उसने हम पर किए और हमने ये समय परमेश्वर के अनुग्रह से देखा। चाहे हमारा दिन कितना भी कठिन परिस्थितियों में रहा हो या फिर कितना भी दुखदाई रहा हो, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाला, उसने हमसे प्रेम किया, उसके प्रेम के लिए हम उसका धन्यवाद करें। तो आइए आज की शाम में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे प्राणों को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता धन्यवादी है प्रभु कि यह अनुग्रह आपने हम पर किया प्रभु कि जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु। दिन भर की टेंशन से, मुसीबतों से, परेशानियों से, दुर्घटना से बचा कर प्रभु ये समय आप हमारे जीवन में लेकर आए प्रभु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को तेरी उपस्थिति में रखती हूँ प्रभु और तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक को तू अपनी आशीषों से प्रभु हर एक के जीवन को तू मामूर कर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक के परिवार के लिए प्रभु। आज की शाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सबके लिए प्रभु हम मीठी और अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की रात में प्रभु आप हर एक को अच्छी और मीठी नींद प्रभु प्रदान करें। पिता परमेश्वर आप उनके जीवनों में बहुतायत से कार्य करें। पिता परमेश्वर यदि आज दिन भर में कोई भी चिंता और परेशानी में रहा हो प्रभु यीशु, आप उनकी चिंताओं को, उनकी परेशानियों को, उनके डिप्रेशन को, उनकी फ्रस्ट्रेशन को, उनके टेम्पटेशन को प्रभु आप ले लीजिए परमेश्वर पिता और उन्हें प्रभु इन सारी चिंताओं से छुटकारा देकर रेस्ट दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज दिन बीमार रहे हैं। पिता परमेश्वर आप अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर रखिए प्रभु और उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो या फिर किसी भी प्रकार का उन्हें पेन हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस दर्द को, उस बीमारी को डांट कर आज्ञा देते हैं कि उनके शरीर को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और आज की रात में अच्छे से सोने में मदद कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने प्रभु अपनी उम्मीद प्रभु तुझ पर रखी है। जो तो लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी सुधि ले, आप उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे प्रभु जी। यदि कोई अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है, यदि कोई अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, यदि कोई अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु आप उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें दे प्रभु। यदि कोई अपने घर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, यदि कोई अपने प्रॉपर्टी के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, यदि कोई अपने बच्चों की बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। आप उनकी सुधि ले, आप उन पर अपना नियंत्रण करें, आप उन पर अपनी दृष्टि करें और उन्हें प्रभु जी उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु। आज की रात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आपके लहू से ढांपते हैं प्रभु। आप हर एक को सेव करें, मीठी और अच्छी नींद आप हर एक के परिवार को, हर एक जन को अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।